हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बिहार के प्रसिद्ध लड्डू। जो इसको बनाया जाता है चावल, मेथी और तीसी से मिलाकर इसको बनाया जाता है, और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अक्सर इसको सर्दियों के मौसम में बनाई जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो इसको मेथी भी बोला जाता है। आज आप लोग को बनाकर दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिए और हम बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने ले लिया है तीसी और इसको अच्छे से चुन लिया है, साफ़ कर दिया है। और ये बहुत गंदा होता है, आप लोग तो जानते ही हैं, जो देखता होगा वो जानता होगा। मैंने चुन कर अच्छे से साफ कर लिया है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 kg चावल और इसको भी मैं अच्छे से साफ कर ली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हमारा दोनों सामान अच्छे से साफ हो चुका है। तो चलिए इसको हम चलते हैं बनाने की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बैठा लिया है कढ़ाई और गैस को ऑन कर देती हूँ, और उसके बाद इसको गर्म करेंगे। 2 मिनट तक गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम डालेंगे इसमें तीसी को। तो यहाँ पर देखिए, हमारा गर्म हो चुका है कढ़ाई, 2 मिनट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं डाल लेती हूँ तीसी, और इसको डाल करके हम अच्छे से एक बराबर से चलाएंगे, थोड़ा भी रुकेंगे नहीं, नहीं तो अच्छा से नहीं भुनेगा ये हमारा और जल भी जाएगा। तो इसको बराबर से चलाते रहना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं चला रही हूँ इसको अच्छे से, बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं, चलाते रहेंगे और धीरे धीरे इसको अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारा भून रहा है, और यहाँ पर ये भून रहा है तो देखिए आवाज़ भी आ रहा है, तो पता चल जाएगा, आवाज़ आने लगेगा तो पता चल जाएगी हमारा भून रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये भून चुका है हल्का हल्का। तो यहाँ पर देखिए, अब इसका आवाज़ आना कम हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा से ये भून चुका है और कलर भी इसका चेंज हो चुका है। तो मैं गैस को बंद कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से चला करके यहाँ पर मैं रख लेती हूँ इसको थाली में उतार कर। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और चला देती हूँ, क्योंकि कढ़ाई ज़्यादा गर्म है ना, इसीलिए। तो इसको मैं चला देती हूँ और इसको हम पलट लेते हैं, इसको थाली में रख लेते हैं, और इसको पलट के उसी कढ़ाई में हम डाल लेंगे चावल को। तो हम 2 बार चावल को भूनेंगे, क्योंकि चावल हमारा ज़्यादा है, ये कम था तो 1 बार में हो गया। तो मैं डाल लेती हूँ आधे चावल को इसी कढ़ाई में, और इसको गैस पर रख लेती हूँ, और उसके बाद यहाँ पर गैस को ऑन कर देती हूँ, और इसको भी हम वैसे ही चला चला के अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको भी वैसे ही बराबर से चलाते रहना है, इसको भी छोड़ना नहीं है। और जैसे जैसे ये हमारा भुनेगा, वैसे वैसे ही इसका कलर चेंज होता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, धीरे धीरे इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो देखिए, मैं इसको ऐसे ही चलाते रहूँगी, छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका कलर अब बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। और थोड़ा सा हम इसको भुनेंगे, और उसके बाद ये हमारा हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा भूनने के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये भून चुका है हमारा अच्छा से चावल। तो चलिए, इसको हम अच्छे से चला करके और गैस को ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ, और उसके बाद इसको थोड़ा सा चला करके उतार लेती हूँ, और जो मैंने डाला लिया है उसी में मैं इसको रख लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं रख लेती हूँ इसको उतार करके। तो और जो बाकी का बचा हुआ हमारा चावल है, इस कढ़ाई में डाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये इतना सारा हमारा चावल बच चुका है। तो चलिए, इसको भी डाल करके उसी तरह से, सेम प्रोसेस से हम इसको भी भून लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमारा चावल भून चुका है। तो मैं इसको फैला दी थी, तो यहाँ पर देखिए, इसका भी कलर चेंज हो चुका है और ये भी अच्छा से भून चुका है। तो मैं इसको भी उतार कर उसी डले में रख लेती हूँ एक साथ। तो चलिए, इसको भी हम उतार लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसमें डाल लेती हूँ, और उसके बाद मैं इसको छनौटे से ही चारों तरफ फैला देती हूँ, क्योंकि ये ठंडा हो जाए। और यहाँ पर चलिए, मैं इसको फैला कर रख लेती हूँ। तो चलिए, अब यहाँ पर हमारा ये 2 काम हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, मेथी है ये, तो चलिए मेथी को भी हम उसी तरह से भून लेंगे उसी कढ़ाई में, कढ़ाई हमारा गर्म ही है। तो चलिए, डाल लेते हैं इसको कढ़ाई में, और उसको हम ज़्यादा देर तक नहीं भून लेंगे, नहीं तो ये जल सकता है। तो यहाँ पर हल्का सा आँच करके इसको भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा
थोड़े ही देर में ये भून जाएगा, इसको टाइम नहीं लगेगा भूनने में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये भून चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं इसको चला करके गैस बंद कर लेती हूँ। तो ये हमारा भुनना हो गया है, चलिए आगे देख लो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सारा सामान रेडी कर लिया है जो हमको भुनना था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है तीसी और ये है चावल और ये है मेथी। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान भून कर रेडी कर लिया है और इसको अब सिर्फ पीसना बाकी है। तो चावल को, ये जो चावल है इसको हम मिल में पीसने के लिए देंगे और इसको तीसी को हम घर पर मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। और इसको पीसने के लिए देना पड़ेगा चावल को, क्योंकि चावल भी पीसा जा सकता है ग्राइंडर में, लेकिन चावल को पीसने से थोड़ा गंदारा टाइप का होता है, मोटा हो जाता है इसलिए, नहीं तो ये भी ग्राइंडर में पीस जाता है। और इस तीसी को तो मैं पीस लूँगी ग्राइंडर में ही, क्योंकि आजकल के ज़माने में तो आप लोग जानते ही हैं कि अब तो डिजिटल इंडिया हो गया है, तो ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है, मशीन में डालो और खड़ा खड़ा पीस जाएगा। और पहले के ज़माने में जब हम लोग की दादी बनाती थी तो देखते थे कि जो खल होता है ना, खल मसाला वसाला कूटा जाता था पहले ज़माने में, हम लोग देखते थे तो उसमें इसको तीसी को कूट कर बनाया जाता था ये वाला लड्डू को। तो हम लोग तो आजकल के ज़माने में मिक्सर में ही पीस कर बनाते हैं। तो इसको मैं मिक्सर में पीस लूँगी और इसको मैं मिल में पिसाने के लिए भेजूंगी। तो ये लड्डू आज बनकर नहीं तैयार होगा क्योंकि इसमें बहुत ही टाइम लगता है बनने में। तो आज सारा सामान रेडी हो चुका है और सामान बाकी है, तो ये बनने के समय में उसमें डाला जाएगा। तो कल इसका लड्डू बनेगा, आज इतना ही करते हैं, फिर कल मिलेंगे आप लोगों से सारा इसको रेडी करके पीस करके। फ्रेंड्स ये दूसरे दिन का क्लिप है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैं तीसी को मिक्सर में जा रही हूँ पीसने के लिए। तो यहाँ पर मैं डाल ले रही हूँ और इसको हम पीस लेंगे मिक्सर में। तो चलिए इसको पीस कर देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा तीसी पीस कर रेडी हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा से ये पीस चुका है और आप देख सकते हैं ये अच्छे से तेल भी छोड़ दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसको दिखा रही हूँ आप लोग को बना करके, ये ऐसे ही तेल छोड़ देता है। पहले हम लोग खल में इसको कूट कर इसी तरह से तेल छोड़ाते थे, बाप रे बाप कितना टाइम लगता है। आज के ज़माने में तो आप लोग देख ही सकते हैं ग्राइंडर हो चुका है तो कोई भी सामान एकदम जल्दी से रेडी हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने सारा सामान रेडी कर लिया है, हमारा चावल के आटा भी आ चुका है मिल से पीस करके। और मैंने यहाँ पर 1 kg गुड़ लिया है और ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है इसको डालने के लिए उसमें। और इसको देखिए यहाँ पर हमारा तीसी, मैंने सारा सामान एक जगह रख कर इसको रेडी कर लिया है और यहाँ पर हम लोग बनाने जा रहे हैं अब। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है, इसको मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ। और उसके बाद इसमें हम देखिए पानी डाल लिया है, एक जग पानी हम इसमें डाले हैं। और उसके बाद हम गुड़ को फोड़ करके इस पानी में डालेंगे और इसका हम बनाएंगे चाशनी। तो यहाँ पर देखिए मैंने चाशनी के लिए सामान डाल दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर चावल के आटे में जो तीसी हमारा पीसा हुआ है और मेथी इसी में डालकर पीस चुका है सारा सामान। तो इसको डाल करके अच्छे से इसको मिक्स किया जाएगा चावल के आटे में, एकदम पूरा एकदम मिक्स कर दिया जाएगा इसको मोम मोम बना करके। तो यहाँ पर देखिए हमारा इस तरफ चाशनी भी रेडी हो रहा है और इसको ऐसे ही चला चला के हम लोग बनाएंगे। और ये थोड़ा ही देर में हमारा गल जाएगा गुड़ सब। यहाँ पर देखिए हमारा मोम हो चुका है, तो इसमें मैं ड्राई फ्रूट जो रखी थी उसको डाल देती हूँ और इसको भी उसी में मिक्स कर देंगे। और उसके बाद इसमें घी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर घी गरम करके देखिए रखी थी, तो मैं इसको डाल लेती हूँ घी को। और उसके बाद इसको भी डालकर उसको मोमियाया जाएगा, मिक्स किया जाएगा। तो ये गरम है इसीलिए हल्के हल्के हाथों से इसको मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसको जैसे हम लोग समोसा वमोसा के लिए मैदे को मोमियाते हैं वैसी तरह से इसको घी डाल के मोमिया लिया जाएगा, अच्छे से मिक्स कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको बनाने के लिए 2 आदमी चाहिए, तो हम लोग 2 ही आदमी हैं, एक आदमी सारा सामान रेडी कर रहा है और यहाँ पर मैं चाशनी देख रही हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा चाशनी खोल रहा है
और थोड़ी ही देर में हो जाएगा ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इसको मुमिया भी दिया गया है अच्छा से, चावल के आटे को तीसी को सब मिक्स कर दिया गया है अच्छा से, इसमें ड्राई फ्रूट डाल के और इसको और थोड़ा ही देर में मुमिया के इसमें चाशनी डाला जाएगा। तो ये थोड़ा देर में हो ही जाएगा मुमिया ना इसका, जितना मुमिया देंगे उतना ही अच्छा रहता है, खाने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा चाशनी डाला जा रहा है और यहाँ पर देखिए इसको छलनी से छाना जा रहा है ताकि जो गंदा है उससे को बाहर निकाला जा सकेगा। और इसको देखिए छनौटे से चलाया जा रहा है और यहाँ पर मोबाइल पकड़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्योंकि मैं एक हाथ से काम कर रही थी और एक हाथ से पकड़ी थी, इसीलिए मिस्टेक हो गया है। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है तो हाथ से पकड़ कर ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए इसको चलाया जा रहा है पलटे से और ज़्यादा गर्म है इसीलिए इसको हल्के हल्के हाथों से चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए और थोड़ा सा चाशनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया जाएगा और उसके बाद इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से धीरे धीरे हमारा मिक्स हो रहा है, धीरे धीरे इसमें अपने अंदाज से डाला जा रहा है चाशनी ताकि ये गीला ना हो जाए, तो धीरे धीरे करके इसमें डाला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स किया जाएगा, बहुत ही टाइम लगता है बनाने में, तभी तो खाने में इतना टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छे से मिक्स कर दिया गया है और एक जगह रख दिया गया है क्योंकि ठंडा हो जाएगा नहीं तो। यहाँ पर चलिए हम लोग बना लेते हैं फटाफट से। और बना करके यहाँ पर मैंने थाली रखी है रखने के लिए, तो इसी तरह से हम लोग बना लेंगे सारे लड्डू को जल्दी जल्दी। तो मिलते हैं आप लोगों से बनाने के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा अभी सारा बनकर रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। मेथी, इसको मेथी ही बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सर्दियों के मौसम में बनाया जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये देहात में ज़्यादा बनाया जाता है लेकिन देहात का आदमी कहीं भी रहेगा तो बना ही लेगा। मैं बिहार की हूँ लेकिन बिहार में रहती नहीं हूँ, फिर भी मुझको खाने का मन किया तो मैंने बनाया है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। आप लोग मेथी भी बोल सकते हैं या तीसी के लड्डू भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और देख ले सकते हैं कितना अच्छा बनकर रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स इतना मेहनत लगा है बनाने में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ फ्रेंड।